गदर 2 के हिट हो जाने के बाद सनी देओल के पास ढेर सारी प्रोजेक्ट है और हर दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म गदर 2 की अपार सफलता के बाद तमाम निर्माता निर्देशक अब सनी पाजी पर खूब पैसा लगाना चाहते हैं और यही बड़ी वजह है कि सनी देओल को लेकर आए दिन चर्चाओं का दौर भी देखने को मिलता है। सनी पाजी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई जिसमें यह बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक अब्बास मस्तान के साथ सनी पाजी एक बड़ी फिल्म करने वाले हैं और ये एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। अब्बास मस्तान वही हैं जिन्होंने रेस 1 और रेस 2 जैसी फिल्में बनाकर काफ़ी नाम और शोहरत कमाए हैं और माना जा रहा है कि ऐसे ही कोई फिल्म सनी पाजी के साथ अब्बास मस्तान बनाना चाहते हैं। इस बारे में इन दोनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी की जा रही हैं और इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में सनी पाजी को कास्ट करते हुए उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। आइए चलिए जानते हैं कि कौन सी ये फिल्म है जिस फिल्म में अभिनेता सनी देओल अब्बास मस्तान के साथ काम करने वाले हैं। मौजूदा समय में भी सनी देओल गदर 2 की सफलता को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद से ही सनी देओल के पास फिल्मों की लंबी कतारें लग गई। हर बड़ा निर्माता उनके साथ काम करने का चाह रख रहा है और सनी देओल भी इन दोनों लगातार फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हालांकि चयन में वे समय ले रहे हैं क्योंकि वे दर्शकों को अच्छा कंटेंट देने का पूरा फोकस कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब वो जल्दी बॉर्डर 2 में भी नजर आने वाले हैं, लेकिन इसी कड़ी में अब्बास मस्तान की एक और फिल्म को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सनी देओल ने अब्बास मस्तान के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म साइन की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि सनी देओल राजकुमार संतोषी की लाहौर 1947 की शूटिंग खत्म करने के बाद अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में काम करना शुरू कर देंगे। उस अगर रिपोर्ट की माने तो बताया जाता है कि कुछ समय से बातचीत का दौर चल रहा है और आखिरकार चीजें सही दिशा में नजर भी आ रही हैं। बताना चाहेंगे कि अब्बास मस्तान अपने थ्रिलर फिल्मों के लिए काफी फेमस रह चुके हैं, उनकी फिल्मों में दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं। ऐसे में ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि सनी देओल की फिल्म को देखकर भी दर्शक कुछ ऐसा ही अनुभव सिनेमाघरों में करेंगे। जानकारी के लिए हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारियां भी चल रही हैं और इसके 2024 की पहली तिमाही में फ्लोर जाने की उम्मीदें भी हैं। फिल्म में सनी देओल के अलावा 4 और अनुभवी कलाकार होने वाले हैं और फिलहाल कास्टिंग की प्रक्रिया अपने चरम सीमा पर चल रही है। फिल्म का निर्माण विशाल राणा करेंगे और उम्मीद ऐसे जताए जा रहे हैं कि अगले साल के अंत तक ये फिल्म रिलीज भी हो जाए। ये पहली बार ऐसा होगा कि निर्देशक जोड़ी सनी देओल के साथ काम करेगी क्योंकि इससे पहले अभिनेता सनी देओल ने अब्बास मस्तान के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। ऐसे में ये फिल्म देखने लायक भी होने वाली है। वैसे अगर अब्बास मस्तान के अगर फिल्मी सफर की बात करेंगे तो उन्होंने कई सारी फिल्में ऐसी दी हैं जिन फिल्मों की हमारी आज भी तरोताजा है। उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण करके काफी नाम और शोहरत बिकवाए और यही बड़ी वजह है कि सनी पाजी के साथ वो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म करना चाहते हैं।